फिर से मैं पहुंच चुका हूं सेकंड हैंड गाड़ियों का शोरूम में जो कि श्री मोटर में है, जहां पे आज बहुत सस्ती गाड़ियां मिलने वाली है दोस्तों, और छोटी बड़ी सारी गाड़ियां मिलेंगी यहां पे। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों। तो जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लेके आप लोगों के बीच उपस्थित होता रहूँ। तो चलिए देर किए बिना यहाँ के जो ओनर हुए उनका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? सब बढ़िया ना? और काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा ठीक है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है ना? हाँ बढ़िया। एक बार मेरे न्यू व्यूअर के लिए एक बार लोकेशन बतला दिए फिर से आप। हमारा लोकेशन है तीर्था चौक कामड़े, अपोजिट हॉटलिप्स इन, हॉटलिप्स रेस्टोरेंट है, हॉटलिप्स के जस्ट अपोजिट में, अपोजिट में ये शोरूम है आप लोग श्री मोटर। बाकी जिनको दिक्कत होगी भैया, नंबर दिया रहेगा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में कॉल करके आ सकते हैं ना। एक बार व्यूअर को हाई कीजिएगा। और आज तो पूरा कलेक्शन भर दिए हैं आप, न्यू न्यू है, सारा न्यू कलेक्शन है ना भैया? सारा न्यू कलेक्शन है दोस्तों, छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी आज यहाँ पे, नैनोस से लेके डस्टर तक सब मिलेगी ना भैया जी। और स्टार्टिंग प्राइस सबसे कम से क्या होने वाली है भैया? सबसे कम प्राइस में आपको एक नैनो है 800 किलोमीटर चली हुई। अच्छा, वो दिखाते हैं, देखिए गाड़ी देख लीजिए दोस्तों, सबसे कम प्राइस की गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे कम प्राइस की गाड़ी मिलने वाली है। गाड़ी फर्स्ट ओनर है। और नंबर कहाँ की है भैया? जमशेदपुर नंबर है, जमशेदपुर नंबर है। फर्स्ट ओनर, टायर वायर का कंडीशन देख लीजिए, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी, गाड़ी लेके खड़ी हुई थी, 800 किलोमीटर मात्र चली हुई। मॉडल कौन सी है भैया? 2011 की ये नैनो है, प्यारी नैनो, देख लो आप लोग, जमशेदपुर नंबर मिल जाएगी। कंडीशन में गाड़ी है, फुल कंडीशन में, टायर देख लो, चारों टायर न्यू ब्रांड है। और रनिंग कितना बोले भैया? मात्र 800 मात्र 800 चलिए दोस्तों, जो कि सर्विस रिकॉर्ड है ना भैया, सारा सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिल रही है दोस्तों। 800 चली हुई है ये गाड़ी, का कंडीशन देख लो, फुली मेंटेन, फुली कंडीशन में ये गाड़ी मिल रही है आप लोगों को। और चलिए इंटीरियर देखते हैं भैया हम लोग, क्या मिलेगी इसमें भैया? गाड़ी अंदर से भी मेंटेन है, किलोमीटर आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को अपने, 866 किलोमीटर देख लो दोस्तों, मात्र 866 किलोमीटर चला है, जो कि ओरिजिनल चला हुआ है सर जी, ओरिजिनल चला हुआ नहीं, भी चेक करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल देख लो कंडीशन, सीट की कंडीशन देख लो, लाजवाब लेदर की सीट कवर फर्स्ट क्लास लगी हुई है। बाकी देख लो मैट वेट सारा कुछ लगा हुआ है। डैशबोर्ड की कंडीशन देख लो, नीट एंड क्लीन है। बाकी रूफ भी दिखाता हूँ, एकदम साफ सुथरी गाड़ी है। एसी भी मिल जा रहा है आपको, एसी के साथ है दोस्तों ये। अब बताइए भैया, इस नैनो की आस्किंग प्राइस क्या रखे हैं? आस्किंग प्राइस 75,000 रखा है हमने, 75,000 रखे हुए हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत बैठने के बाद कुछ हो जाएगा, 75,000 दोस्तों, उसमें भी बैठने पे हो जाएगा। आजकल 75,000 में तो बाइक भी नहीं मिलती है क्या भैया? लाख सवा लाख का तो बाइक आ रहा है, वो कार मिल रही है 75,000 में, वो भी उसमें भी नेगोशिएबल है। तो आइए दोस्तों आप लोग श्री मोटर में एक बार विजिट कीजिए, गाड़ी निकल जाएगी बहुत जल्द क्या भैया? चलिए भैया फिर नेक्स्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, ऑल्टो है, कलर ऑल्टो एलेक्स आई है, बाकी जमशेदपुर नंबर है ना भैया? हाँ जी जमशेदपुर। और मॉडल कौन सी है भैया? मॉडल है 2010, 2010 की है, देख लो सिल्की सिल्वर में ये गाड़ी है, वेल कंडीशन कार है ये। टायर वायर देख लीजिए, देख लो टायर भी पूरा कंडीशन में ही मिल जाएगा आप लोगों को, चारों पांचों टायर कवर लगा हुआ है, सारा कुछ एसी उसी है ना भैया? हाँ जी हाँ जी, एसी वगैरह है, मैट वट सारा कुछ लगा है, देख लो ओरिजिनल चला है, 74,000 किलोमीटर रनिंग है मात्र गाड़ी की, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग।
डैशबोर्ड की कंडीशन देख लो, नीट एंड क्लीन है। सीट की कंडीशन इस प्रकार से है दोस्तों। तो भैया इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे हुए हैं? ये 145 रखे हैं। 1,45,000। इंश्योरेंस वगैरह है भैया? इंश्योरेंस नहीं है सर। तो इसको करवाना होगा, पार्टी को करवाना हो, इंश्योरेंस नहीं है दोस्तों। बाकी गाड़ी में कोई खर्चा भैया? किसी तरह का कोई खर्चा, नहीं है। 1,45,000 ना, 1,45,000 है दोस्तों इस ऑल्टो की। तो आइए विजिट कीजिए आप लोग जल्द से जल्द। चलिए भैया फिर नेक्स्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डिजायर VXi ऑटोमेटिक है दोस्तों, देख लो। रांची रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। सबसे पहला इसका नंबर देखिए, चॉइस नंबर, मिल जाएगा, देख लो। चॉइस नंबर मिल रहा है, देख लो दोस्तों, चॉइस नंबर के साथ है ये। और कौन गाड़ी अंदर से एकदम वेल मेंटेन्ड है, 2012 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर। 2012 की फर्स्ट ओनर है दोस्तों, देख लो कंडीशन गाड़ी का इस प्रकार से है। म्यूजिक सिस्टम, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, पावर ब्रेक, देख लो। मात्र 75,000 चली हुई है गाड़ी दोस्तों। चारों पावर विंडो, एसी वगैरह सारा, एसी, म्यूजिक सिस्टम सब वर्किंग में। बाकी सीट की कंडीशन देख लो, लाजवाब सीट कवर है भैया एकदम। ये तो लगी हुई है, ये ओरिजिनल सीट है सर। ओरिजिनल सीट है ना, ओरिजिनल सीट लगी हुई है, कवर वगैरह। शिफ्टिंग इसका दिखा दीजिएगा, ऑटोमेटिक गियर है, देख लो दोस्तों। यहाँ ऑटोमेटिक गियर मिल रहा है इसमें, ऑटो गियर शिफ्ट वाला गाड़ी है ये, जो कि काफी कंफर्टेबल रहता है। काफी कंफर्टेबल रहता है, लेडीज जेंट्स हर तरह के लोग ड्राइव कर सकते हैं। देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन में, ये ना भैया टायर, हाँ जी एकदम टायर देख लो कंडीशन में। भैया इसका आस्किंग प्राइस क्या है? इसका आस्किंग प्राइस है 345, 3,45,000 है इस डिजायर की आस्किंग प्राइस। ये पेट्रोल है ना भैया? पेट्रोल में है दोस्तों। और एवरेज क्या दे देगी भैया? एवरेज ये 18 से 20 की देगी, 18 से 20 की देगी, 18 की देगी। तो आइए विजिट कीजिए, 3,45,000 में इसको ले जा सकते हो आप लोग। चलिए भैया फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं। और अगली गाड़ी कौन सी है भैया? ये निसान की टेरेनो, निसान की टेरेनो है, देख लो आप लोग कंडीशन। व्हाइट कलर की गाड़ी है, मक्खन जैसी बिल्कुल है। और नंबर की बात करें तो भैया धनबाद रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, देख लो। सेकेंड ओनर है भैया, कोई खर्चा उर्चा नहीं है गाड़ी में? किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है, एकदम डिगी और यूज कीजिए, वेल मेंटेन कार, वेल मेंटेन कार है, देख लो कंडीशन इस प्रकार से है। बाकी फोग लैंप वगैरह सारा कुछ लगाई हुआ है। बाकी टायर की कंडीशन दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख लो। टायर भी कंडीशन में ही मिल जाएगी, पाँचों टायर ना भैया? हाँ। एलॉय व्हील है ना? एलॉय व्हील है, एलॉय व्हील देख लो आप लोग, कंपनी फिटेड है ये लोग, एलॉय व्हील। और चलते हैं अब हम लोग। और रनिंग कितना है भैया गाड़ी का? जर्मिन मिलेगा, आप कहीं से भी टेस्ट करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। ओरिजिनल चला हुआ गाड़ी है दोस्तों, 87,000 चला हुआ है, देख लो। जो कि कस्टमर बहुत शौक से रखे थे गाड़ी को, एक एक एक्सेसरीज अपने ये से लगाए हुए, बिल्कुल सजाया हुआ गाड़ी है। हाँ। कोई खर्चा भी नहीं करना है, किसी तरह का कुछ नहीं करना, देख लो कंडीशन इस प्रकार से है। मैट वेट सारा कुछ लगा हुआ है, सिस्टम वगैरह देख लीजिए। चारों पावर विंडो है, एयर बैग भी है क्या भैया? डबल एयर बैग के साथ मिल रही है, टॉप मॉडल है ये, देख लो कंडीशन में कार है ये। LCD वगैरह सारा कुछ लगा हुआ, पार्किंग सेंसर सब है ना भैया? सारा कुछ है इसमें, देख लो प्रकार से कंडीशन है। आइए भैया इस निसान ट्रेनो की कार दे देंगे आपको बहुत अच्छे प्राइस में, 3,85,000 पड़ेगा। मात्र 3,85,000 पड़ रहा है इसका, उसमें भी थोड़ा बहुत बैठने पर बैठने के बाद हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को बढ़ते हैं भैया हम लोग। सेगमेंट में डस्टर काफी डिमांडेबल गाड़ी है ये भी, डस्टर है देख लो। ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही मस्त गाड़ी है, देख लो राजा गाड़ी जिसको बोलते हैं। 2013 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, 2013 की फर्स्ट ओनर है। और नंबर कहाँ की है भैया? नंबर ये है देवघर, देवघर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। चॉइस नंबर है, चॉइस नंबर ये भी मिल रही है, देख लो आप लोग नंबर पे गौर करो, चॉइस नंबर मिल रही है, देख लो टायर वो कंडीशन में है। इसमें बताइए भैया इसका डिटेल फिर से थोड़ा सा अच्छा से। वेरिएंट आता है 85 PS एंड 110 PS। अच्छा, ये 110 PS वाली गाड़ी है, इसमें पावर वगैरह आपको काफी अच्छा मिलेगा। ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी माना जाता है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है ऑफ रोडिंग के लिए ये। बाकी पावर विंडो के साथ मिल रही है, चार पावर विंडो, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट है देख लो, और AC चिल्ड है, कवर देख लो, सीट कवर भी शानदार लगी हुई है। बाकी देख लो इस प्रकार से मैट वेट है, कोई खर्चा नहीं है भैया किसी तरह का, माइनर एक सर्विस वगैरह। अच्छा, वो मतलब एज इट इज कंडीशन में हम देंगे जी। दो टायर का भैया? एकदम जेन्युइन काम होगा, जेन्युइन गाड़ी मिलेगी, देख लो दोस्तों पीछे की टायर थोड़ा ये बस दो टायर आपको चेंज करना, दो टायर इसमें चेंज करनी होगी जैसा भैया बता रहे हैं। पेपर तो अप टू डेट होगा ना भैया?
इंश्योरेंस अगर किसी गाड़ी में मान लीजिए नहीं रहता है तो वो आप लोग करके देते हैं कि पार्टी को कराना पड़ता है, ये थोड़ा सा क्लियर कर। ये एक्चुअली देखिए, जमीन आप लेते हैं ना तो हिस्ट्री मोटेशन जिस तरह से कराना होता है उस तरह से गाड़ी का भी है, वो एक्चुअली वो पैसा हमारे पास नहीं आता। अच्छा, इंश्योरेंस करवाओगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी में जाएगी, रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो DTO में जाएगा पैसा। तो ये हमारा सिर्फ गाड़ी का पैसा होता है, गाड़ी का पैसा होता है, बाकी जो इंश्योरेंस का है वो कस्टमर को देना पड़ेगा, है ना भैया? तो बताइए भैया, इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे हैं? ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में दे देंगे, 295,000 मात्र। 295,000 मात्र है दोस्तों, देख लो इस गाड़ी का कंडीशन देख लो और एक बार आओ, ये बहुत जल्द निकलने वाली है भैया। चलिए भैया फिर नेक्स्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, हुंडई की योन देख लो, नंबर हजारीबाग नंबर है भैया जी, हजारीबाग नंबर है। और देख लो पेंट तो ओरिजिनल है भैया, करीब करीब ओरिजिनल पेंट है, माइनर बम्पर वगैरह टच वो तो बम्पर थोड़ा बहुत सेकंड हैंड में जो नॉर्मली रहता है वो है ना। मॉडल को कौन सी है भैया? 2012 की मॉडल है। 2012 की ओनरशिप भैया? ओनरशिप सेकंड है। सेकंड है मतलब जो लेंगे थर्ड हो जाएंगे ना। कोई इंजन में कभी खुला उला नहीं ना है, इसी तरह का कोई काम नहीं है, फुली मेंटेन कार है। मेंटेन कार है देख लो। और क्या रनिंग है भैया गाड़ी की? रनिंग है, 1,00,000 चली हुई है, मीटर टेस्टिंग होता नहीं है, जो है जेन्युइन मिलेगा। देख लो दोस्तों, 1,00,000 चलने, 1,00,000 चलने के बाद भी गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है, इसी तरह का कोई है। आज तक इंजन खुला भी नहीं है, नहीं, नहीं। देख लो दोस्तों, 1,00,000 चली हुई है ये गाड़ी, थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन कोई खर्चा नहीं है गाड़ी में, तेल भराना चलाना है क्या भैया? अब बताइए भैया, इसका आस्किंग प्राइस क्या रखे योन का? ये गाड़ी दे देंगे आपको 1,30,000। 1,30,000 इसमें भी बैठने पे हो ही जाएगा कुछ हो जाए। चलिए फिलहाल तो आज इतनी ही कलेक्शन थी ना फिलहाल भैया, फिलहाल तो एक। हाँ भैया बताइए, आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर को आप थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में बतला दीजिए। फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब बहुत सा फाइनेंसर से हमारा टाई अप है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आप गाड़ी पसंद कीजिए, फाइनेंस कराना हमारा जिम्मा। मतलब लोन हो जाएगा, कितने डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? मिनिमम डाउन पेमेंट जो होता है वो 30% होता है यूज कार में, और 70% लोन हो जाएगा ना? 70% लोन हो जाएगा ऑन एन एवरेज, बाकी होता है गाड़ी का मॉडल के ऊपर, कितनी पुरानी गाड़ी है उसी हिसाब से फिर लोन। और एक चीज़ और बताइए, RC ट्रांसफर का क्या इंक्लूड है कि अलग से है इसमें? नहीं, RC ट्रांसफर का भी चार्जेस अलग से देने होते हैं, अलग से दे है ना जी, जी, जी। काम सारा यहीं पे हो जाएगा, आपको कहीं दौड़ना भागना। वो चार्जेबल लगभग क्या होगा अमाउंट भैया? वो अप्रोक्स 3,000 से 3,500 रुपया, 3,000 से 3,500 एक्स्ट्रा लगेगा है ना। चलिए, और तो RC कितने दिन में दे दीजिएगा आप लोग? अप्रोक्स 1 मंथ मान के चलिए, 1 मंथ में। चलिए बहुत बहुत थैंक यू भैया डिटेल देने के लिए, फिर नेक्स्ट अपडेट करते हैं बहुत जल्द। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।